जनपद में कैंट थाने पर थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 300 फरियादियों की सुनी फरियाद, कहा हर जरूरतमंद को इलाज के लिए मिलेगी भरपूर मदद। जनपद में शासन के लक्ष्य के सापेक्ष 5000 मीट्रिक टन धान की जा चुकी है खरीदारी, एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर के आईटीएम गीडा के 3 छात्रों ने मिलकर बनाए स्मार्ट हेलमेट, एक्सीडेंट होने पर परिजनों व डॉक्टरों को जाएगा काल, दुर्घटना में आएगी काम। शासन के निर्देश पर साधु टीएल वासवानी के जयंती के अवसर पर जनपद में मांस की दुकानें रही बंद, मांस कारोबारियों ने शासन के आदेश का किया पालन। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने की प्रेस वार्ता, कहा दवा शुरू होने के 3 सप्ताह बाद टीबी मरीज से नहीं फैलता है संक्रमण, टीबी की पहचान और इलाज न होने से एक मरीज साल में 10 से 15 लोगों को कर सकता है संक्रमित। कैंपियरगंज इलाके के जंगल बब्बन गांव में पशु तस्करों के मकान व अन्य संपत्तियों को किया गया जब्त, पुलिस ने नोटिस चस्पा कर जब्ती की कार्रवाई। गोरखपुर जिले में 23 नवंबर से शुरू हुए सक्रिय क्षय रोगी खोजी अभियान ACF कैंपेन के प्रचार वाहनों को कार्यवाहक CMO और SEMO RCH डॉक्टर AK चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। नए TB मरीजों को खोजने के लिए चलाया जा रहा है सक्रिय क्षय रोगी खोजी अभियान। पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अवसर पर जनपद के समस्त स्थानों पर महिला सुरक्षा दल ने नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों का कराया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।